तो दोस्तों पराठे आपने बहुत ही खाए होंगे, लेकिन ये पराठा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यूनिक है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मा गर्म पराठे के ऊपर घी या बटर डाल दीजिए तो पराठे का स्वाद दुगना हो जाता है। इसकी स्टफिंग देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि अभी बनाकर खा लो। जी हाँ दोस्तों, ये है अचारी आलू पराठा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपका माई किचन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 3 से 4 उबले हुए मैश करके आलू। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून मैंगो पिकल यानी कि आम के अचार का मसाला। अच्छे से डाल देंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे अच्छे से मिला देना है ताकि अचार का फ्लेवर जो है वो आलू में बहुत ही अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छे से मिला देंगे, बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चॉप्ड किया हुआ थोड़ा सा अनियन यानी कि प्याज, हरी मिर्च डाल दीजिएगा स्वाद के अनुसार। अब डाल देंगे यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर या फिर आप स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ डालेंगे हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल दीजिएगा या फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डाल देंगे यहाँ पे भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून के करीब। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से मिला दीजिएगा ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो आलू में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल यूनिक पराठा है, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। और अभी ठंडी का सीज़न भी है तो आपको और भी मज़ा आएगा। अब इसे हम एक तरफ रख देंगे, दूसरी तरफ हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने एक बोल में ले लिया है यहाँ पे आटा, आटे में हम डाल देंगे अजवाइन और मंगरेला, थोड़ा क्रश करके डाल दीजिएगा और थोड़ा नमक डाल देंगे। ध्यान रहे कि नमक हमने आलू में भी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसमें पानी डालते हुए इसका डो बना लेंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ये मीडियम होना चाहिए। तो दोस्तों आप जनरली आलू का पराठा में आलू को फ्राई करते होंगे, मसालों को फ्राई करते होंगे, लेकिन ये आलू का पराठा बिना फ्राई किए बना है। जी हाँ, इसलिए बहुत आसान और बहुत टेस्टी है। तो इसे भी हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट रेस्ट कर लेने के बाद अब हम आटे का एक पोर्शन ले लेंगे और इसे हमें कटोरी का शेप दे देना है। तो आटे का डस्ट लगा लेंगे ताकि आटा चिपके नहीं। और देखिए ये बहुत आसान है कटोरी का शेप देना, मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाया है आपको, अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। और अब हम यहाँ पे स्टफिंग को फिल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दीजिएगा। और इसे हमें प्रेस करते हुए इसके मुँह को बंद कर देना है, इस तरीके से आपको क्लियरली दिख रहा होगा वीडियो में, बहुत आसान है। एक्स्ट्रा आटा को हमें निकाल देना है और फिर इसे हम रोल कर लेंगे। अब हमें थोड़ा यहाँ पे आटे का डस्ट ले लेना है और इसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद अब हम रोलिंग पिन के हेल्प से इसे बेल लेंगे। तो बेलना हमें बहुत हल्के हाथों से है, इसे धीरे धीरे बेल लेना है। ये देखिए बिल्कुल नहीं फटेगा, आपका आलू का पराठा बिल्कुल नहीं फटने वाला है, आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत आसान है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है और बिल्कुल नहीं फटा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए अब इसे हम सेक भी लेते हैं। तो मैंने एक तवे को गैस स्टोव पे रख दिया गर्म होने को, इसमें हम डाल देंगे रोटी को यानी कि अपने पराठे को और फिर इसे हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। घी या बटर आपको जो भी पसंद है उसे लगाइए, दोनों तरफ से सेक लेना है। दोनों तरफ घी या बटर लगाते हुए आप चाहे तो इसे क्रिस्पी बना सकते हैं या फिर सॉफ्ट भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अच्छे से कुक कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने दोनों तरफ लगा लिया, ये आलू का पराठा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इसे दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। तो दोस्तों आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी है और आप इसे झटपट बना सकते हैं। आपके घर अगर मेहमान भी आ जाए तो फट से बना करके खिला सकते हैं। और ये है यूनिक पराठा, बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म, लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ रेसिपी पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।